स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अपन जानेंगे तीथिंग सिरप के बारे में, जो कि बच्चों के लिए यूज की जाने वाली दवा है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लीजिए दोस्तों, ये जो है इस तरह की पैकिंग आता है, और जो इसकी MRP है वो है 45 रुपये। और ये जो सभी दवाइयों की दुकान पे मिल जाता है दोस्तों आराम से। तो आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। बच्चों के जो दांत निकलना एक आम बात है, ये दांत अक्सर दूध के दांत के रूप में जाने जाते हैं। आमतौर पर बच्चों के दांत निकलने की शुरुआत जो है 6 से 8 महीने के बीच हो जाती है दोस्तों, और 2 साल तक लगभग सारे दांत निकल जाते हैं। और दोस्तों अगर अचानक से आपका बच्चा, छोटा बच्चा का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाए और वह बहुत ज़्यादा रोने लगे और अपने कान को मरोड़ता है और कोई भी चीज़ को चबाने की कोशिश करता है, तो ये सभी लक्षण दोस्तों उसके दांत निकलने के बारे में संकेत देते हैं। ठीक है दोस्तों, और बच्चों के दांत निकलते समय उनका खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त जो है शिशु में शारीरिक और मानसिक बदलाव हो रहे होते हैं। ठीक है, जो उनके पेरेंट्स को खुशी तो देते ही हैं, लेकिन इस समय जो बच्चों को होने वाले दर्द और तकलीफ से काफ़ी परेशानी होती है दोस्तों। बच्चे की पहली बार दांत निकलते हैं उस समय वो बोल नहीं पाते, जिसकी वजह से कई बार पेरेंट्स उनकी बात को समझ नहीं पाते दोस्तों। अब जानते हैं उनके निकलने का समय, जान लेते हैं दोस्तों दांत को कब आते हैं और कब पूर्णतः आते हैं, अपन ये जान लेते हैं। पहले देख लेते हैं, बीच के काटने वाले दांत जो हैं 8 से 12 महीने में आना शुरू हो जाते हैं, और ये जो है पूर्णतः 6 से 7 साल में पूर्णतः निकल आते हैं। और जो किनारे के काटने वाले दांत है वो 9 से 13 महीने में हो जाते हैं, वो 7 से 8 साल में पूर्णतः निकल आते हैं। दोस्तों कैनाइन दांत जो हैं वो 16 से 12 महीने में निकल आते हैं, वो पूर्णतः जो है 10 से 12 साल में निकल आते हैं। और जो पहली दाढ़ है वो 13 से 19 महीने में निकलती है, 9 से 11 साल में पूर्णतः निकल आती है। दूसरी दाढ़ दोस्तों 25 से 30 महीने में निकलती है और 10 से 12 साल में पूर्णतः निकल आती है। ये तो वो ऊपर के, और नीचे के देख लेते हैं। नीचे की दूसरी दाढ़ जो है दोस्तों 23 से 31 महीने में निकल आती है, और पूर्णतः जो है 10 से 12 साल में पूर्णतः निकल आती है। जो कैनाइन दांत है दोस्तों नीचे के, वो 17 से 23 महीने में निकलते हैं और 9 से 12 साल में पूर्णतः निकल आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं दांत निकलने के समय लक्षण देख लेते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। अधिकांश बच्चों के दांत निकलते समय उन्हें दस्त और उल्टी होना एक सामान्य लक्षण माना जाता है दोस्तों, जबकि कुछ बच्चों में जो है पेट दर्द और कब्ज की शिकायत होती है। बच्चों के दांत निकलते समय जो है अधिकांश बच्चों की जो सेहत में है जो है गिरावट देखी जाती है, यानी कि उनका जो वजन है तेज़ी से कम होता है दोस्तों, जिससे वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों के जो दांत हैं निकलने के समय मसूड़ों में बहुत ही दर्द होता है, जिसकी वजह से जो उनका स्वभाव है चिड़चिड़ा हो जाता है। और बच्चों के जो दांत निकलते हैं उस समय मसूड़ों में जो है खुजली और सूजन हो जाती है दोस्तों, यानी सूजन देखी जा सकती है उस समय। कुछ बच्चों के जो है दांत निकलते समय उन्हें बुखार भी आ जाता है, और बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो वो आसपास रखी चीज़ों को चबाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बच्चों के दांत निकलते समय क्या करें ये देख लेते हैं। बच्चों के दांत निकलते समय उनको मसूड़ों को आराम देने के लिए उन्हें ठंडा खाना या ठंडा दूध पिलाएं। ठीक है दोस्तों, बच्चों के दांत निकलते समय ठंडी चीज़ों का सेवन कराना लाभदायक होता है, और
तीथर एक नाजुक खिलौना होता है जो बच्चों को चबाने में उन्हें दर्द से राहत दिलाता है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के दांत निकलते समय उनको उबला हुआ सेब, संतरा का जूस, दाल, खिचड़ी, खीर जैसी चीज़ें खिलाना चाहिए। दांत निकलते वक्त बच्चों को एक ऐसी चीज़ें दें जिनमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन और मिनरल्स अधिक मात्रा में हो। बच्चों को मल्टीविटामिन ड्रॉप्स भी दे सकते हैं दोस्तों, और विटामिन D3 भी दे सकते हैं, ड्रॉप में आता है विटामिन D3। ठीक है दोस्तों, और जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो दांत दर्द, उल्टी और उपकाई आना, सिर दर्द होना, कान दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, अन्य स्थिति हो सकती है ये। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या जड़ी बूटी पाई जाती है। पहली है कार्डेमोम, फिर कारवे, सिनेमन, सिनेमा मिल और सोरबी टॉल, ये इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हैं। जान लेते हैं पहले कार्डेमोम। कार्डेमोम माने तो ये इलायची, इसका प्रयोग जो है दोस्तों पाचन को स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कारवे, कारवे जो है इसको कहते हैं जीरा। जीरा जो है इसका उपयोग दस्त में, पेट फूलने में और दर्द सूजन में किया जाता है। अब जानते हैं सिनेमन, सिनेमन यानी होती है दालचीनी, ये दोस्तों दिमाग को तेज करती है, दिमाग की शक्ति को बढ़ाती है और दिमाग को सक्रिय करती है दोस्तों। जो घबराहट में, चिंता में, दस्त में, कब्ज में फ़ायदेमंद मानी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था टीथिंग सिरप के बारे में। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।